दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अब अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक करीब 1500 परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लेगा। फिलहाल चीन के पास 400 परमाणु हथियार हैं। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी अपनी सालाना रिपोर्ट में चीन की महत्वाकांक्षी सैन्य योजना से पर्दा उठाया है। पेंटागन ने कहा कि अगले एक दशक में चीन का उद्देश्य अपनी परमाणु ताकत का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में इसके अलावा बताया कि चीन जमीन, समुद्र और हवा से मार करने वाले परमाणु हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करने में लगा है। चीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और रीप्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण कर प्लूटोनियम को अलग करके भी परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। चीन अपनी सेना का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। चीन अपने हथियारों को खुद की रक्षा के लिए बताता है, लेकिन वो लगातार दुनिया में अपना खौफ पैदा करने के लिए हथियारों के जखीरे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में 2021 और 22 में ताइवान पर चीन के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव का भी जिक्र किया गया है, खासतौर से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के वक्त। चीन की अमेरिका से ये होड़ खौफनाक मंजर की ओर इशारा है और भारत समेत पड़ोसी देशों के लिए खतरे की घंटी भी। इसीलिए वैश्विक शक्तियों को मिलकर चीन के ऐसे कदमों पर लगाम लगानी चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।